ये बोलता था कि उर्वेश अपने डॉक्यूमेंट्स में कितना एज कम कराया, तो मेरे को उनका ये रिएक्शन ऐसा लगता था कि इस बंदे ने मेरे को गाली दी है। मेरे को बहुत बुरा फील होता था, मेरे को लगता था इसके साथ क्या करूं। पर वो भाई जब मेरा एज लग रहा है, बाल उड़ चुके हैं, मेरे को खुद दिख रहा है शीशे में कि मेरा एज 35, 32, 33, 34 लग रहा है, और मेरा 28 रनिंग चल रहा है मेरा 28 जो। और आप भी आइए इधर, स्टाफ भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से मैनेज किया मेरे को। नाइट में मैं आया था, मेट्रो से मेरे को पिकअप किया गया, उसके बाद सोने वोने की व्यवस्था बढ़िया है, एसी लगा हुआ है, और क्या चाहिए आप एक आदमी को, और बहुत बढ़िया लगा। अब काम बढ़िया हो जाए। हेलो एवरीवन, मेरे साथ बैठा है एक आर्मी मैन जो कि पटियाला में जॉब करते हैं और रहने वाले हैं ये आगरा के। आ गए हैं अपना ही ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, कहाँ, दिल्ली में, ट्रैवल करके। क्या करके? ट्रैवल करके। और आप सब लोग सोचते हो कि आपके घर के पास ही ये ट्रांसप्लांट हो जाएगा, सरकारी आदमी भी ट्रैवल करके आ रहा है ताकि उसका अच्छा ये ट्रांसप्लांट हो सके। अगर जो आपको अपना ट्रांसप्लांट करवाना है अच्छा, तो आप लोगों को ट्रैवल करना ही पड़ेगा। तो ये जो है अपने गंजेपन से काफ़ी परेशान थे, इन्होंने लगभग 4000 ग्राफ्ट लगाने की प्लानिंग की है, और खर्चा कितना है, 50,000 रुपये इनका खर्चा है, और इसके अंदर 5 PRP इंक्लूड है, 7 डेज की मेडिसिन इंक्लूड है, और इन लोगों का नाइट स्टे जो यहाँ पर एक रात पहले आ गए थे, इन लोगों का नाइट स्टे भी यहाँ पर करवा दिया, और जिस दिन सर्जरी होगी उस दिन का फूड भी इंक्लूड होगा इन लोगों का, और इन लोगों का जो ब्लड टेस्ट है जो 2,500 से 3,000 रुपये के होते हैं वो भी इस सर्जरी के अंदर इंक्लूड है। तो बहुत सारा फ़ायदा है, साथ में साथ हाई डेंसिटी भी दी जाएगी। तो साहब आपका स्वागत है पहले चैनल के अंदर। थैंक यू मोहित सर। तो आप बताइए जरा लोगों को कि आप कैसे आए, क्या आए, मेरे से टच में थे। सर मैं मोहित सर का वीडियो कई महीने से देख रहा था, तो मेरे को एक बार लगा के मोहित सर से कॉल की जाए, तो मोहित सर से कॉल की तो मोहित सर ने अटेंड की, जबकि बहुत से यूट्यूबर हैं जो वीडियो बनाते हैं उनके पास कॉल करते रहो वो रिसीव नहीं करते, बोलते हैं कि मेरे को तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, कॉल का टाइम नहीं है। तो मोहित सर ने मेरा कॉल रिसीव किया, कम से कम 20 मिनट मेरे से बात भी किया, और मेरे को अच्छा लगा, बात करने का तरीका भी अच्छा था, और इनकी मेरे को समझ में भी आया इन्होंने जो मेरे को समझाया वो, तो इसलिए मैं फिर वहाँ से बठिंडा से इनसे फिर बुकिंग लिया, और बठिंडा से मैं इधर आ गया और अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा हूँ आज। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर मेरा डेंसिटी बहुत अच्छा आता है तो मैं भी और बंदों को भी भेजूँगा, और आप भी आइए इधर, स्टाफ भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से मैनेज किया मेरे को। नाइट में मैं आया था, मेट्रो से मेरे को पिकअप किया गया, उसके बाद सोने वोने की व्यवस्था बढ़िया है, एसी लगा हुआ है, और क्या चाहिए आप एक आदमी को, और बहुत बढ़िया लगा। अब काम बढ़िया हो जाए। हाँ, काम रिजल्ट मेरा अच्छा आ जाएगा तो और अच्छा रहेगा, इनके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, रिजल्ट मेरा अच्छा आएगा तो मेरे लिए अच्छा हो गया, और रिजल्ट आएगा तो मेरे लिए अच्छा है, चैनल पे दिखाऊंगा लोगों को, और इन लोगों के जो देख रहे हैं इनके लिए भी अच्छी बात है कि भाई कई जगह है जहाँ पर रिजल्ट अच्छा आता है। बाकी रिजल्ट की टेंशन छोड़ दो, मैंने नहीं बोला रिजल्ट की टेंशन छोड़ दो, रिजल्ट मेरे ऊपर है, रिजल्ट आएगा ही आएगा, मनी बैक गारंटी दे रहा हूँ। अगर जो रिजल्ट नहीं आया तो पैसे अपने वापस लेकर चले आना मुझसे, लेकिन उस सर्जरी में मैं जरूर अवेलेबल होना चाहिए जहाँ पर जब मनी बैक की बात आ रही है। तो ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी चले गए और मनी बैक मुझसे मांगने लग जाओ, नहीं, मैं उस दिन आना चाहिए आपकी सर्जरी के देखने के लिए, करेक्ट, ताकि पता तो हो मुझे कि क्या काम हो रहा है, कैसी हेयरलाइन है, पूरी हेयरलाइन मैंने अच्छे से मार्क करवाई है, कहाँ पर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, डॉक्टर साहब को रोका है, बुलाया है, दिखाया है, और सिर्फ एक स्पेशल डॉक्टर है उन्हीं से ही ट्रांसप्लांट कराता हूँ। इन लोगों को पहले OTP भेजा जा रहा था ट्रांसप्लांट कराता, मैंने कहा नहीं, जब पहले उन डॉक्टर को आने दो तभी जाएंगे सर्जरी करवाने के लिए। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं कि भाई आप ये बताओ लोगों को कि आप ट्रांसप्लांट क्यों करवाना चाहते थे। मैं ट्रांसप्लांट इसलिए कराना चाहता हूँ, मैं आज से 8 साल पहले आर्मी में भर्ती हुआ था, उस टाइम पे अच्छे घनघनाते बालों का मालिक था। उसके बाद मैं 4 साल डिप्लोमा किया, मैं एक इंजीनियर हूँ, 4 साल डिप्लोमा आर्मी ने कराया मेरे को। उसके बाद सिकंदराबाद में MCME में किया था, उसके बाद वहाँ पर भी थोड़ा झड़ना चालू हो गया था, हेयर फॉल होने लगा था। उसके बाद मैंने बहुत से तेल यूज किए, बहुत सी दवाइयाँ मतलब नहीं खाई, मगर मिनोक्सिडिल तेल मैंने 1 साल तक यूज किया कंटिन्यू। उसके बाद मेरा पोस्टिंग हो गया लेह लद्दाख 203 आर्मी एविएशन में। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद लॉकडाउन आ गया, उसमें अपना ऑनलाइन पूरा सर्विस बंद हो गया, उसमें मेरे को मिनोक्सिडिल नहीं मिला उसके चलते, और उधर हेयर कटिंग नहीं ले पाए उस टाइम पर, कोरोना टाइम में अपना हेयर कट की शॉप भी बंद हो गई थी आर्मी की, तो इसलिए मेरा बाल फिर बाल गोलवा लगाना था, सिर पे टोपा लगाते थे इसमें, उसमें सभी चले गए। उसके बाद जिसके पास मैं जाता था वो बंदा मेरे को सब सीधा ये बोलता था कि उर्वेश अपने डॉक्यूमेंट्स में कितना एज कम कराया, तो मेरे को उनका ये रिएक्शन ऐसा लगता था कि इस बंदे ने मेरे को गाली दी है। मेरे को बहुत बुरा फील होता था, मेरे को लगता था इसके साथ क्या करूं। पर वो भाई जब मेरा एज लग रहा है, बाल उड़ चुके हैं, मेरे को खुद दिख रहा है शीशे में कि मेरा एज
35 के 32 33 34 लग रहा है और है 28 साल की और मेरा 28 रनिंग चल रहा है मेरा 28 जो 10 अक्टूबर को होगा कंप्लीट 27 साल का मतलब 27 साल का 28 रनिंग है 10 अक्टूबर को मैं 28 साल का हो जाऊंगा और मेरे को खुद फील होता है कि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ एज बड़ी हो गई एज बढ़ाने लगना और दूसरा नंबर में डीमोटिवेट होना मेरे को कोई एक दिन में बोल दे रहा है कि तेरा बाल झड़ गया यार तेरा उम्र कितना है तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता हूँ सारा डीमोटिवेट होता हूँ ज़्यादातर तो इसलिए मैंने सोचा हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया जाए पैसे से कुछ नहीं होता पैसा ही सब कुछ नहीं है अगर आप आए हो तो पैसा तो फिर भी आ जाएगा तो आप पहले अपना हेल्थ की तरफ देखिए और अपना पर्सनैलिटी भी बनानी चाहिए अब मैंने तो बालों के चक्कर में अपनी पर्सनैलिटी भी बिगाड़ ली क्योंकि मैं जिम जाना बंद हो गया क्योंकि जिम में बंदे जाते थे तो बोलते यार उर्वेश किसी लिए आया बुढ़ापे में हड्डी टूट जाएगी तो क्या बोलोगे आप तो उधर से फिर मैंने किनारा करते रहा फिर बच्चे का बर्थडे वगैरह आया सब कुछ रहते हैं उसमें फ़ोटो भी नहीं खिंचाना किसी की शादी भी नहीं जाना हर समय डीमोटिवेट होना तो ये सबसे मेन कारण है आप ट्रांसप्लांट कराइए मोहित भाई के पास आइए बहुत अच्छा मतलब मोहित भाई से एक बार कॉल करके देखिए नंबर पर आपको पता ही पड़ जाएगा क्या बंदा है क्या बात करते हैं और ऐसा नहीं लगा कि ये कि यूट्यूबर है ऐसा लगा कि मेरा बड़ा भाई मेरे से अच्छा बात कर रहा है और ट्रीटमेंट के लिए बुलाया और मैं आया हूँ आज ट्रीटमेंट लेके देखो कब तक हो पाता है तो भाई साहब आप लोग ना इनका रिजल्ट 8 महीने बाद मैं वीडियो डालूंगा बीच बीच में भी डालता रहना वीडियो भेजते रहना मुझे मैं अपलोड करूँगा आप लोगों को दिखाता रहूँगा बीच बीच में और 8 महीने बाद इनकी डेंसिटी मेरे से दोगुना ना आ जाए ना तो मेरा नाम बदल देना या तो मैं चैनल बंद कर दूंगा या तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना मैं गारंटी ले रहा हूँ इनका हेट राशन बहुत धासु और बहुत ज़बरदस्त आने वाला है क्योंकि मैं गारंटी क्यों ले रहा हूँ क्योंकि इनका डोनर एरिया मैंने देखा है डोनर एरिया बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का है और मुझे ये पता है इस क्लिनिक के अंदर ग्राफ्ट निकालते समय जिसे बोला जाता है ट्रांजेक्शन रेशियो बहुत कम है ना के बराबर है ब्लाइंड टेक्निक है थोड़ा बहुत ग्राफ तो खराब होंगे ही निकालते समय डैमेज होंगे ही क्योंकि यहाँ पर हमें दिखता नहीं है कुछ ना कि अंदर जड़ कहाँ जा रही है कैसे जा रही है लेकिन यहाँ पर ट्रांजेक्शन रेशियो बहुत खराब बहुत अच्छा है जिससे कि ग्राफ्ट आपके ख़राब नहीं होंगे हेयर लाइन मार्क करवाई है मैंने ये वाली देख ले एकदम ज़बरदस्त 3 उंगली पे हेयर लाइन मार्क करवाई है 3-3.5 उंगली पे यहाँ पर जिगजैग पैटर्न के अंदर हेयर लाइन बनेगी जब बाल आएंगे तो एकदम नेचुरल होंगे नीचे सर करके दिखाइए एक बार यहाँ पर जो हेयर लाइन मार्क करवाई है अपने सामने आंखों के सामने यहाँ पर हाई डेंसिटी में हेयर ट्रांसप्लांट होगा यहाँ पर बचे बालों से थोड़ी रिफिलिंग होगी यहाँ पर कुछ नहीं होगा और यहाँ पर पीछे क्राउन एरिया यहाँ पर भी हाई डेंसिटी से पैक किया जाएगा सबसे ज़्यादा डेंसिटी पहले नंबर पर यहाँ पर दूसरे नंबर पर यहाँ पर और तीसरे नंबर पर यहाँ पर ग्राफ्ट इम्प्लांट किए जाएंगे ठीक है तो मिलेंगे हम इनसे बाद में और सबसे बड़ी बात यह है कि मनी बैक का गारंटी दिया गया है मोहित सर के द्वारा आप भी लीजिए मनी बैक का गारंटी देने के बाद फिर क्या दिक्कत है आप कराइए चलिए दोस्तों अगर जो आपको करवाना है ट्रांसप्लांट दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना मनी बैक गारंटी मिलेगी आपको दिल्ली के अंदर मैं मिलूंगा आपको दिल्ली के अंदर बाकी मुंबई में और हैदराबाद में भी क्लिनिक है जहां पर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे से करवा सकते हैं तब तक तो साहब जी आपका ट्रांसप्लांट हो गया है ठीक है आपके पीछे ग्राफ्ट भी निकाल दिए गए और आगे स्लिट बना दी गई अब सिर्फ ग्राफ्ट को इम्प्लांट किया जा रहा है तो आपका इतना प्रोसेस हो गया कम से कम 4-5 घंटे से आप लेटे हो ओटी के ऊपर अब आपको कैसा लग रहा है बहुत अच्छा फील हो रहा है अच्छा पेन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है अच्छा कैसा लगा अभी तक आपको जो आपने देखा शीशे में डेंसिटी कैसी मिली हेयर लाइन कैसी बनी डेंसिटी वगैरह बहुत तगड़ी बढ़ रही है रिजल्ट आने के बाद और वीडियो बनाएंगे और अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा और पेन फैक्टर जिससे सब डरते हैं आप सबसे ज्यादा डर रहे थे तो आप बताओ मैं सुबह बहुत कॉन्शियस था मगर अभी तो देखा बहुत अच्छा लग रहा है कोई दर्द नहीं है बिल्कुल बहुत अच्छा है लग भी नहीं रहा है कोई ट्रांसप्लांट हो रहा है अच्छा अभी जिस इस टाइम ने सब ग्राफ्ट इम्प्लांट कर रहे हैं सर के अंदर डाल रहे हैं आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये पता भी नहीं पड़ रहा है सर मेरे को इम्प्लांट हो रहा है पता ही नहीं लग रहा है नहीं, तो आप लोगों को बोलोगे कि डरना नहीं है इससे पेन फैक्टर से क्योंकि आपने आपकी अब मेरे को याद है आपने दूसरे फौजी भाई से भी बात करवाई थी जिन्होंने मैंने आर्मी मैन की वीडियो डाली थी आपने कहा था बात करा दो और जैसे ही बात स्टार्ट हुई आपने बोला कि पेन होता है नहीं होता मैंने उसको पेन का पूछा था मैंने बोला सर पेन होता है कि नहीं होता मगर आज मैं खुद मतलब प्रेजेंट में हूँ और अपना प्रैक्टिकली है आज मेरे को कोई पेन नहीं हो रहा वो थोड़ा बिल्कुल भी चीटी जैसा भी नहीं काट रहा है अब तो शुरुआत में थोड़ा लगा था चीटी जैसा काट रहा अभी तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है अच्छा अच्छा चलो जैसे आपने बात की थी और कहा था कि ठीक है भाई मेरी बात करवा दो फिर मैंने कॉन्फ्रेंस पे लेकर बात कराई थी नंबर तो शेयर नहीं किया था तो मैं कॉन्फ्रेंस पे लेकर बात करवा दूँ आपकी अगर जो कोई ऐसा बंदा आए बिल्कुल मेरी आप किसी से भी बात करा दे रहे सिविलियन से फौजी से किसी से भी मेरे कोई दिक्कत नहीं है मैं एट ए टाइम 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा ठीक है साहब थैंक यू वेरी मच आपने इतना बोला उसी तरह से जिस हिसाब से आप मेरी मदद कर रहे हैं वीडियो बनाने में वैसे ही मैंने आपकी मदद की है शायद
आपको ट्रांसप्लांट कराने में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई जो आपने अच्छे क्लिनिक बुलाया। हाँ, और मैं खुद भी आया, ये भी तो बता दो। आप सुबह से मेरे साथ 12 बजे से लेके अभी तक मेरे साथ हो, इतना तो घर वाला भी नहीं कोई रहता है। 6 घंटे हो गए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नेचर भी अच्छा है या नहीं है? अरे नेचर के बारे में तो समझ के तभी तो आया हूँ, बिना नेचर के कैसे आ जाता। ठीक है, चलो ठीक है, अभी ट्रांसप्लांट देखते हैं आपका कैसे होगा क्या होगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।